अस्सलाम वालेकुम। माय टुडेज टॉपिक इज गुलावर इन लिलीपुत सेकंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। डेयर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी रेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। दिस स्टोरी हैज अ सब टाइटल गुलावर कैप्चर्स अ फ्लीट। To capture means to catch or to get hold on. Fleet is a collective noun. It means a group of ships. In this lesson, Gulliver gets hold on to a group of ships of the enemy. The Empire of Blefuscu is an island situated to the northeast of Lilliput. It is separated from Lilliput by a channel about 800 meters wide. I had not seen Blefuscu and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. So far, they had no news of me. As we all know that Gulliver is the narrator in this story, he says that the Empire of Blefuscu is an island. Island means a mass of land that is surrounded by water. Here, Gulliver talks about the location of these two empires, Lilliput and Blefuscu. He says that the Empire of Blefuscu was an island and it was situated to the northeast of Lilliput. Ye Lilliput ke northeast mein tha. There are four directions: north, south, east, west. Aur iske alawa char sub directions bhi hain. तो नॉर्थ ईस्ट जो है इट्स ए सब डायरेक्शन। इसी नॉर्थ ईस्ट में लिलीपुत के ये बिलिफेस्क्यू वाका था। सेपरेट का मतलब है टू डिवाइड, टू कट इनटू पार्ट्स। ये लिलीपुत एंड बिलिफेस्क्यू वायर सेपरेटेड बाय चैनल। चैनल मींस ए स्ट्रीम और ए स्मॉल रिवर। And this channel was near about 800 meters wide. ये channel जो थी ये तकरीबन 800 meter चौड़ी थी। Gulliver had not seen Blefuscu. Gulliver ने Blefuscu नहीं देखा था। Seen is the past participle of see. See, saw, seen. That's why he avoided appearing on that side of the coast. Coast means bank or shore, जिसको हम कहते हैं साहिल या किनारा। इसलिए गुलावर उस किनारे पर नहीं जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि दुश्मन उसे पहले से देख ले। So far, the people of Blefuscu had no news about Gulliver. इस वक्त तक गुलावर के बारे में बिलिफेस्क्यू वालों को कोई खबर नहीं थी। Our scouts reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbour, ready to set out with the first favorable wind. यहां पे वर्ड है scout। Scout means a group of soldiers who bring news। और जब न्यूज़ लेकर ये लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि द एनिमी फ्लीट, एज आई ऑलरेडी मेंशनड इट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, दैट फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन, इट मींस अ ग्रुप ऑफ शिप्स। ले एट एंकर इन द हार्बर, रेडी टू सिट आउट विद द फर्स्ट फेवरेबल विंड। तो उन्होंने खबर दी कि दुश्मन के शिप्स ने लंगर डाल दिया है हार्बर के पास। हियर आई वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश सी पोर्ट एंड हार्बर।
सीपोर्ट एक फिक्स्ड प्लेस होती है जहां पर शिप्स लोड और अनलोड होते हैं, लेकिन हार्बोर कोई भी ऐसी जगह होती है किनारे के साथ जहां पर आप शिप को या बोट को रख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लंगर डाल दिया है। आई वॉकड टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड ए स्मॉल हिल इन केस द एनमी शुड सी मी। आई लुकड एट दियर शिप्स थ्रू माई फील्ड ग्लासेस। What Gulliver did after that, he walked to the northeast coast. वो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ चलता है and conceals himself behind a small hill. अपने आप को छुपा देता है एक छोटे पहाड़ के पीछे because he wanted that the enemy should not see him. वो चाहता है कि दुश्मन उसे पहले से न देखे। Gulliver uses his फील्ड ग्लासेस टू डिस्टिंग्विश टू सी एट द एनिमी। वो अपनी फील्ड ग्लासेस का इस्तेमाल करता है, टेलीस्कोप या उन शीशों का इस्तेमाल करता है, लेंसेज का इस्तेमाल करता है दुश्मन को देखने के लिए। एज वी ऑल नो दैट द पीपल वायर वेरी लिटिल इन साइज, सो इट वॉज नॉट इजी फॉर Gulliver टू सी देम फ्रॉम ए डिस्टेंस। I distinguished at least 50 warships and a great number of other ships for transporting men and supplies. तो Gulliver ने क्या देखा कि there were near about 50 warships. Warships means those ships that are used in war. जो जंग में ships इस्तेमाल होते हैं उनको warships कहा जाता है। तकरीबन 50 warships उनके पास थे and a great number of other ships, और उनके पास बहुत ही बड़ी तादाद थी उन ships की जिनमें आदमियों को और राशन वगैरह का लाई जा रही थी। I framed a plan to capture the warships. Then Gulliver frame means to make, to prepare. उसने एक प्लान तैयार किया, एक मंसूबा तैयार किया to capture the warships, कि वो उन वॉरशिप्स को पकड़ ले। आई गॉट द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंसड सीमैन ऑफ लिलीपुत हु टोल्ड मी दैट द चैनल वॉज अबाउट 5 feet डीप इन मोस्ट प्लेसेस एंड नो वायर मोर देन 6। देन Gulliver मेट सम ऑफ द सीमैन ऑफ लिलीपुत। वो लिलीपुत के सीमैन से मिलता है जो समंदर में या दरिया में मछलियां पकड़ते हैं या वहां उसमें सेल वगैरह करते हैं। तो उनकी एडवाइस वो चाहता था। दे टोल्ड हिम दैट द चैनल वॉज 5 feet डीप एट मोस्ट प्लेसेस। तो उन्होंने कहा कि अक्सर जगहों पर ये चैनल जो है ये 5 फुट गहरी है एंड नो वायर मोर देन 6, और किसी भी जगह पे ये चैनल 6 फुट से गहरी नहीं है। I ordered a great quantity of the strongest cable and bars of iron. Then Gulliver ordered. फिर Gulliver ने मंगवाई, क्या मंगवाई? Great quantity of strongest cable. Quantity means मिकदार. Strongest cable, जो उनके पास सबसे मजबूत केबल थी. Cable means रस्सी and bars of iron. Bars of iron means go लोहे की सलाखें। The cable was as thick as pack thread and the bars were of the size of knitting needles. जो उन्होंने cables लाई या bars of iron लाई, तो ये जो cable थी it was as thick as pack thread. Pack thread means the thread that's used in packaging. जो packaging में हम वो रस्सी इस्तेमाल करते हैं that's called pack thread. और जो बार्स ऑफ आयरन थी दे वर द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स। निटिंग मीन्स गुन्ना, जैसे हम वो बनाते हैं ना किसी चीज को, जैसे ये स्वेटर बनाते हैं या ये टोपी बनाते हैं, औरतें बनाती हैं, तो निट जिससे करते हैं ऐसी नीडल्स के बराबर थी।
आई ट्विस्टेड द केबल्स टूगेदर एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स। और गुलेवर ने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट को मरोड़ना, मोड़ना। उसने उन केबल्स को मोड़ दिया, तीन तीन को एक दूसरे के साथ मतलब ये मरोड़ दिया और 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स बनाए। देन आई मेड 50 हुक्स बाय ट्विस्टिंग 3 बार्स टूगेदर एट अ टाइम। फिर उसने तकरीबन 50 ऐसे वो कुंडे जैसी स्ट्रक्चर्स के हुक्स बनाए एंड फास्टनर द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स। टू फास्टन मीन्स टू टाई, और उन हुक्स को उन कॉर्ड्स के साथ बांध दिया। आर्मड विद दीज आई वेडेड इन टू द चैनल, स्वैम अ लिटिल वे एंड इन हाफ अबाउट हाफ एन आवर गॉट नियर द एनमी फ्लीट। आर्मड विद दीज गुलेवर वेडेड, टू वेड मीन्स टू वॉक इन वॉटर। He went into the channel and walked. Then he swam a little way. फिर वो थोड़ा सा तैरा भी। And it took him half an hour to reach near the enemy fleet. तकरीबन आधा घंटा उसे लगा दुश्मन के फ्लीट के पास पहुंचने में। The enemy was so frightened to see me that they leaped out of their ships and swam ashore. तो ये दुश्मन इतना खौफज़दा था, when they saw Gulliver, they leaped out of their ships and swam ashore, because in life they had not seen such giant like human being. I guess they were at least 30,000 in number. It was not possible for Gulliver to count all the people of Belfasco because they were लिटिल पीपल। सो ही गैसड, उसने गैस किया, अंदाजा लगाया कि दे वर 30,000 इन नंबर। आई टुक आउट द कॉर्ड्स एंड फास्टनड ए हुक टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन। प्रो मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ ए शिप। देन ही टुक द कॉर्ड्स एंड टाइड ए हुक टू द प्रो ऑफ ईच वॉरशिप लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन। उसने एक एक करके उन शिप्स को उन कॉर्ड्स के साथ बांध दिया और उनको छोड़ दिया। सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। आई विल कम बैक विद नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वेरी सून। खुदा हाफिज़।